हे गुड मॉर्निंग गाइस, टुडे इज मंगलवार। आज यानी कि ट्यूसडे है एंड मैं अभी उठकर आया ही हूँ और मेरे लिए लंच की तैयारी तो स्टार्ट हो चुकी है। आज मुझे नहाना भी है तो जल्दी जल्दी रेडी होना पड़ेगा। टाइम हो गया 5:18। लंच में बन रही है मेरे लिए खीर, जो कि भगर की है, यानी कि इसको व्रत में या उपास में भी खा सकते हैं। यहाँ पे मेरा बैग है जो कि प्रॉपरली कम्प्लीट नहीं है, इसमें कॉपी रखनी है। ये यहाँ पे मेरे फ्रेंड का ये कैलकुलेटर रखा हुआ है, इसको भी रख लेते हैं, उसे वापस करना पड़ेगा। एंड फ्रेंड्स, फ़ोन तो अभी है नहीं टाइम दिखाने के लिए, 5:20 हो चुका है टाइम। एंड आज लाइट नहीं है घर पर, तो पानी जो है ना वो तो नल चल रहे हैं अभी, इसलिए यहाँ पे चैम्स होया हुआ है, नहीं तो कुएं से खींचना पड़ता बाल्टी वगैरह से। नल में पानी आ रहा है लेकिन अभी इसको लेके चलते हैं पीछे। एक हाथ में फोन लेकर नहीं हो पाएगा, आराम से कर लूंगा। एंड अभी आपको पता नहीं है लेकिन ये जो वीडियो है वो बैक कैमरे से रिकॉर्ड हो रही है, क्योंकि लाइट यहाँ पे है नहीं और ठंड बड़ी कर रही है, तो अब नहाने में आने वाली है दिक्कत, लेकिन नहाना है जल्दी जल्दी। एंड अभी गाइस मैं नहाने जा रहा हूँ, ठंड तो लग रही है बट नहाना तो है गाइस। ओके, नहा के मैं आ चुका हूँ एंड अब रेडी हो जाता हूँ 2 मिनट में जल्दी जल्दी की। एंड मैं रेडी हो चुका हूँ, अब जल चढ़ाना है बस। एंड जल चढ़ाने के लिए मुझे फूलों की ज़रूरत भी लगेगी, तो जल्दी जल्दी ये काम करते हैं इसके बाद। यार यहाँ पे आज एक भी फूल नहीं है बट यहाँ पे है, लाइट नहीं है तो इन टॉर्च को छोटे छोटे इन्वर्टर्स की तरह यूज़ कर रहे हैं। एक पीछे रखी हुई है, एक यहाँ पे रखी हुई है, मैं जल चढ़ा देता हूँ। यहाँ पे मेरे लिए खीर ठंडी हो रही है, तभी मेरा बैग भी रेडी है, तो इसलिए चलता हूँ मैं बाहर। यहाँ पे रख देता हूँ। इन बालों के साथ मैंने कुछ आज अजीब सा नहीं किया, तो इन्हें डेकोरेट कर देता हूँ। पहले जुल्म करना था वो कर दिया मैंने। सॉक्स एंड शूज। यार यहाँ से मेरा बैग गिर गया, बोतल खुल गई, तो ये पानी यहाँ मक्का में जा रहा है जो कि नहीं जाना चाहिए, नहीं तो मक्का यहाँ की सूख जाएगी, वो उग जाएगी। एंड अभी मेरी खीर रेडी है, सो आओ ब्रेकफास्ट कर लो। एंड अभी टाइम आ गया सहदीप को उठाने, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बस आने ही वाली है, तो जब मैं बस में जाता हूँ वो वीडियोस सहदीप रिकॉर्ड करता है। सहदीप ले उठिया यार, गुड मॉर्निंग, उठिया जल्दी। अरे एंड अभी जयदीप यानी गब्बर खेत में खाद की बोरी लेकर जा रहा है अकेले। एंड अभी मैं कॉलेज से घर पे आ चुका हूँ एंड सुबह लाइट नहीं थी, मेरे फ़ोन में बैटरी भी नहीं थी, तो आज 2 टेस्ट हुए ऑनलाइन मेरे कॉलेज में। दोनों में मेरा फ़ोन पहले ही टेस्ट में बीच में ही ऑफ हो गया, 4 क्वेश्चन ही मैं सॉल्व कर पाया था एंड टेस्ट फिर ऑटो सबमिट हो गया, तो दोनों टेस्टों में बहुत ही कम मार्क्स मिलेंगे। अभी जस्ट मैं घर पर आई हूँ, तो चेंज करने के बाद एक्सरसाइज एंड देन 29th को मेरे पेपर है, फर्स्ट एग्जाम है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, तो उनके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। मोर इम्पोर्टेंट वर्क फ्रॉम एक्सरसाइज विच हैव द एबिलिटी टू रिप्लेस एक्सरसाइज इज दिस। घास खेत से कट के आ चुका है बट भैंस को देने से पहले इसे छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि करना है मुझे। एंड ये जो बड़ा सा आपको बोरा दिख रहा है ना, इसके अंदर है भूस, इसको अंदर पटकना है बस। फाइनली कंप्लीटेड एंड एक्सरसाइज वर्क इज ऑल्सो डन। एंड मेरी इस दशा में वीडियो बनाने का मोटिव बस यही था कि आपको ये बता सकूं कि हाँ मैं एक्सरसाइज करता हूँ। डेली मैं बस कहता हूँ 20 मिनट एक्सरसाइज के,
तो इससे ये कन्फर्म नहीं होता कि हाँ मैं करता हूँ या नहीं, लेकिन हाँ मैं एक्सरसाइज करता हूँ और एंड एक्सरसाइज अब हो चुकी है कम्प्लीट। तो अब मैं जा रहा हूँ अपना फेस वॉश वगैरह करूँगा एंड आज मेरा व्रत है, वैसे मंगलवार है तो खाने खाने का कोई टेंशन नहीं है, डायरेक्ट आएंगे स्टडी वर्क पे। एंड अभी हाथ मुँह धोकर तो मैं कंप्लीट हो चुका हूँ और मैंने बस एक बार मजाक में ये बोला था कि भूख लगी है खाना दो, इतने में मेरी मम्मी जी मेरे लिए फलियार बना रहे हैं एंड डिनर की तैयारी भी चल रही है, तो चाची जी डिनर बना रहे हैं एंड मम्मी जी मेरे लिए एंड मेरा भाई पुष्पदीप भी व्रत करता है तो हमारे लिए बन रहा है फलियार एंड इसके बाद आते हैं अब स्टडी वर्क पे। एंड यहाँ पे हो रही है डिनर की तैयारी, यहाँ पे बन रहा है मेरे लिए खिचड़ी बन रही है फलियार वाली साबूदाने की एंड यहाँ पे रखी हुई है मेरी चटाई जिस पे मैं स्टडी करता हूँ अपनी। एंड ठंडी बहुत तेज़ है यहाँ पे, दादी जी सहदीप एंड दादाजी यानी कि भैया जी यहाँ पे आग सेक रहे हैं, हाथ सेक रहे हैं। यहाँ पे टाइम हो रहा है अभी 6:54 एंड स्टार्ट करते हैं स्टडी। एंड स्टडी वर्क को थोड़ा पॉज करना पड़ेगा क्योंकि अभी खेत पे जाना है, थोड़ा खेत पे काम है। ठंड बहुत तेज होने वाली है, बैकग्राउंड नॉइज़ को थोड़ा सा इग्नोर करते चलेगा क्योंकि वीडियोस घर पे रिकॉर्ड होती है एंड तेज ठंड होने वाली, इसलिए जैकेट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। ये तगारी एंड एक टॉर्च एंड दिस होल्डर एंड वायर फॉर बल्ब्स। सोना फिर से हो गया ऐसे बंद कर। अभी हमारे पास दो हो चुके हैं, ऐसे ये ऑन हो जाता है एंड ऐसे ऑफ हो जाता है। जिस बाइक से जाने वाले हैं वो यहाँ पे खड़ी हुई है अंदर। एंड अब कितने कंटेनर्स हो गए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड मैं अकेला नहीं जा रहा, साथ में पुष्पदीप भी जा रहा है मेरे। खेत पे पहले से था चैन। एंड टॉर्च ले लेता हूँ साथ में, चाचा जी यहाँ पे कुछ कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद मुझे पता लगा कि ट्राली भरी हुई है फुल मक्का से और यहाँ पे नीचे गीली ज़मीन है तो नीचे एक मजबूत बेस देना पड़ेगा ट्राली को खड़ी करने के लिए। इसके लिए जो नीचे स्पेस था वो कम था, इसलिए थोड़ी खुदाई करना पड़ा नीचे एंड फिर इसको ट्राली को इस अच्छे मजबूत बेस पे हमने ट्राली के चक्कों में ओंट लगाना ज़रूरी है ताकि वो आगे पीछे ना जाए ट्रैक्टर से डिसकनेक्ट होने के बाद में। और फिर मैंने इसको रिमूव कर दिया, मतलब अलग कर दिया ट्रैक्टर से पिन निकाल कर उसको। फिर जिस पत्थर पे हमने रखा, हमें लग रहा था कि ये आराम से इसका लोड सह लेगा, बट थोड़ी देर के बाद जब ट्रैक्टर से थोड़ी देर ही दूर रहा और अचानक से ये नीचे चला गया, देन फिर इसको वापस उठाया ट्रैक्टर से और इसको इस पत्थर को रिप्लेस किया एक मजबूत पत्थर से और दूसरा एक मजबूत पत्थर रखा एंड हाँ ये बिल्कुल पूरा लोड ले सकता है एंड यहाँ से फिर ट्रैक्टर को हटा लिया। एक बार और कर लो। और भाई साहब अब दूसरी ट्राली लगानी है और यहाँ पे देखिए दीवार से कितना बच रहा है बस ट्रैक्टर टच होने से, और ट्राली बहुत ही खतरनाक जगह पे खुली हुई है। इसको लगाएंगे, अब लगाना तो पड़ेगा एंड इसकी भी ओंट निकाल देते हैं अब क्योंकि ट्रैक्टर से कनेक्ट होने वाली है, कहीं नहीं जा सकती अपनी मर्जी से, ट्राली लगने ही वाली है बस। ट्रॉली ट्रैक्टर से कनेक्ट हो चुकी है, जान दो। हाँ जान दो। लूसी एंड खेत का सिस्टम तो ऐसा है कि काम कभी भी ख़त्म नहीं होगा। अभी पुष्पदीप और मैं वापस घर पे जा रहे हैं, पापा जी और चाचा जी तो अभी यहीं पे हैं और उन्होंने भी अभी तक खाना नहीं खाया, ट्रैक्टर लगा दिया है, अब हम तो जा रहे हैं घर पे एंड अभी टाइम हुआ है 9:13।
एंड हम दोनों बाइक से आए थे इस ऑफ रोडिंग वाले रोड पे, एंड अभी हम दोनों को पैदल जाना पड़ रहा है क्योंकि जो स्कूटी मैंने आपको दिखाई थी हमारी एक्टिवा, अब उसे लेकर चलेंगे घर पे हम। अभी हम रोड पे आ चुके हैं और एक ये एक बहुत ही अच्छी जगह है हमारे यहाँ की, बिल्कुल शांत। जब भी माइंड डिस्टर्ब हो या कुछ हो तो हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पानी है, अंदर नहर पे हैं हम। पानी आपको दिख नहीं रहा बट मैं पत्थर फेंक के दिखाता हूँ। हाँ अब दिखा। चलिए हम आ गए हमारी स्कूटी हमारी धन्नो के पास में। होश हो रहा है, इस पर ठंडी लगेगी नीचे से। कुछ और कुछ नहीं तो एक जुगाड़ ही सही। इसको ठंड लग चुकी है, सेल्फ इसका वर्क नहीं कर रहा। इसको किक से स्टार्ट करना पड़ेगा। एंड एक किक में स्टार्ट। ये बोल रहा है मुझसे चलाने का, मैं तो चलाते नहीं हूँ। 9:34 तो यहीं खेत पे ही हो गया हमें। एंड 9:37 पे तो हम घर ही आ गए दोनों। आंधी। एंड अब घर पे तो आ चुके हैं, एंड हम खिचड़ी बनी हुई रखी होगी पहले, वो खा लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं पढ़ाई का क्या करना है। एंड बोथ प्लेट्स आर रेडी। एंड अभी टाइम हो गया 10:10 और मैं जा रहा हूँ सोने। सुबह थोड़ी जल्दी उठ के पढ़ेंगे करेंगे। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी टाइम हो रहा है 1:28 एंड अब हम थोड़ी बहुत स्टडी कर सकते हैं। आपको पता है टाइम भले ही अभी पापा जी मेरे अभी तक खेत पे ही हैं, पापा जी और चाचा जी, इन खेत पे अभी भी काम चल रहा है, पूरे दिन भी काम एंड रात में भी काम करते हैं मेरे पापा चाचा जी, बहुत ज़्यादा मेहनत। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो हे गाइस, न्यूमेरिकल्स की कहानी तो अभी ख़त्म, क्रिटिकल पार्ट की मतलब इसके बारे में आपने भी सुना होगा, न्यूटन्स रिंग्स एक्सपेरिमेंट। एंड अभी टाइम हो गया है लगभग। तो हे गाइस, वीडियो आने में भले ही लेट हो गई हो बट इस वीडियो को बनाने में बहुत टाइम लगा, इसको अपलोड करने में बहुत ज़्यादा नेट भी लगेगा, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना यार, और थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज़ इग्नोर करना है क्योंकि अभी चक्की चल रही है।